दोस्तों अभी हम पहुंच गए एमसीडी टोल पे। अभी हम कटवा लेते हैं अपना एमसीडी टोल और फाइनली हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। ये एरिया पड़ता है द्वारका, ये जो गोल चक्कर आपको दिख रहा होगा जूना अखाड़ा करके ये लिखा है ना, यहाँ पे छोड़ा है इस नेट। और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली ऋषि पुल पे जो आपको बता रहे थे ना। अभी तो बुकिंग का इंतजार ही कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसा दिक्कत सिर्फ ये हुई है कि पैकिंग वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी ना तो डिस्पोज। आज है हमारा हरिद्वार में तीसरा दिन, जैसे कल पूरा दिन हमारा। और फाइनली हम अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये जो पीपल का पेड़, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज टाइम हो रहा है अभी 10:08 और डेट हो गई आज 4 जुलाई। इस मंथ का आज का हमारा पहला वीडियो है। ये तीन दिन हमारे निकल गए ऐसे ही, कोई भी बुकिंग नहीं मिली है। आज 4 तारीख को हमें फाइनली बुकिंग मिली है। और जो आज की हमारी बुकिंग है ये किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी भाई बंधु की बुकिंग नहीं है, ये हमारी अपनी पर्सनल बुकिंग है। पर्सनल कस्टमर का कॉल आ गया था तो आज हम उन्हीं को पिकअप करने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ हो चुकी है एक बहुत बड़ी वाली दिक्कत। अभी तो नहीं, ये दिक्कत हो गई थी रात को ही, बल्कि कह सकते हैं और पहले। ये मोबाइल जो आपने देखा होगा इसमें हम टाइम दिखाते थे, इसकी जो डिस्प्ले है ना ये क्रैक हो रखी है। अब क्रैक तो ये खैर काफी दिन से थी, लेकिन वही है कि जब तक चल रहा है तब तक हम चला रहे थे। और शाम को ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और अभी जितनी भी हमारी कस्टमर की डिटेल थी वो सारा कुछ डेटा इसी फोन में था। अभी 10:09 का टाइम हो रहा है, 11 बजे हमें द्वारका से पिकअप करना है। अभी लोकेशन वगैरह कस्टमर का नंबर सारा कुछ इसी फोन में था, वो सभी जा चुका है। तो अब आज हम बस राम भरोसे अपना पिकअप करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो कस्टमर का नंबर है ना लोकेशन है। बस द्वारका में ले जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे और जब कस्टमर का कॉल आएगा तब उनसे बातचीत करेंगे और फिर उनसे लोकेशन वगैरह मंगा लेंगे। फिलहाल मैंने अपनी जो सिम है वो इसी फोन में डाल रखी है, जिससे हम हमेशा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसी में डाल रखी है। अभी हम खड़े हैं एमसीडी बॉर्डर पे, जो टोल पड़ता है ना एमसीडी पे खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, 3-4 दिन हो गए, गाड़ी भी घर पे खड़ी थी और सीएनजी वगैरह हमने बिल्कुल भरवाई नहीं है। सीएनजी अभी हमारी गाड़ी में ज्यादा है, वो इतनी सीएनजी है। और टाइम अभी हो रहा है 10:10, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और अभी हम यहीं पे एमसीडी बॉर्डर पे खड़े हैं, मतलब नोएडा तो पार कर दिया है, ट्रैफिक देख रहे हो ना कितना ज़्यादा चल रहा है। तो अभी चलते हैं फाइनली दिल्ली में एंटर करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं हमें कितना क्या टाइम लगेगा। वैसे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा आगे का ट्रैफिक, क्या कंडीशन है क्या है। वैसे आज का जो मौसम है ना, अभी आज का क्या कह सकते हैं, अभी 3-4 दिन से मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एसी को लेके, बढ़िया अपना एसी काम कर रहा है, 1 पॉइंट पे चला रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपना इस बुकिंग को पिकअप करते हैं और फिर फुल डे की जर्नी आपको दिखाते हैं अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, फुल डे का आपको दिखाएंगे। और आज का जो हमारा ड्रॉप रहेगा वो मैं बताना भूल गया, देहरादून नहीं है आज का ड्रॉप हमारा रहने वाला है हरिद्वार। अभी बुकिंग का अमाउंट कितना क्या मिलेगा और हरिद्वार में कहाँ छोड़ेंगे हम, कितना टाइम लगेगा, पूरे दिन का वेदर कैसा रहने वाला है, राइडर कैसे मिलने वाले हैं, सारा कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है एमसीडी टोल टैक्स से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए एमसीडी टोल पे, अभी हम कटवा लेते हैं अपना एमसीडी टोल, फिर इसके बाद दिल्ली में यहाँ से एंटर हो जाएंगे। ये आप देख रहे हो ना, ये लोग मोबाइल से काटते हैं, यहाँ पर कोई स्कैनर वगैरह नहीं होता है, दिल्ली का एक एमसीडी टोल अलग रहता है। अभी हम पार कर रहे हैं यमुना नदी को, यमुना नदी पे लोग ऐसे गाड़ियां लगा लगा के काफी एंजॉय करते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं, काफी बढ़िया व्यू रहता है और स्पेशली इस टाइम तो रहता ही रहता है, देख रहे हो ना, क्योंकि बढ़िया पानी भी आ रखा है, मौसम भी क्लीन है, बारिश के टाइम जो रहता है ना फॉग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन वगैरह भी कम हो जाता है, तो बढ़िया लगता है मौसम। टाइम हो चुका है 10:54, सीएनजी हमने भरा लिया। अभी यहीं आर के प्रोम में खड़े थे, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारे दूसरे फोन में कस्टमर की डिटेल थी सारी, लोकेशन वगैरह, तो अभी मैं यहीं पे वेट कर रहा था, जस्ट अभी राइडर का कॉल आ गया, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और उनसे लोकेशन वगैरह भी मंगवा ली है वापिस। तो अभी यहाँ से मुझे दिखा रहा है करीब 20 से 25 मिनट दिखा रहा है, 20-25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो टाइम पर पहुँच गए होते, लेकिन वही है कि कस्टमर की डिटेल वगैरह सारी
निकल गई थी, अभी द्वारका से पिकअप था, द्वारका में किस सेक्टर से था ये नहीं पता था, तो अभी लोकेशन मंगाई है यहाँ से, लगभग 25 मिनट दिखा रहा है हमें लोकेशन में, तो 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। मतलब कि अगर कस्टमर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लगभग 20 मिनट लेट हो रहे हैं, पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से पिकअप और फिर दिखाते हैं लोकेशन कैसी क्या रहेगी। अभी रेड लाइट पर खड़े हैं आर के पुरम, ये देख रहे हो ना इस जगह पे, ये जो बोर्ड लग रहा है मेजर सोमनाथ मार्ग पता नहीं क्या है। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:27 और फाइनली हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। ये एरिया पड़ता है द्वारका सेक्टर 6 में है हम, और अभी यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है कस्टमर की लोकेशन, इसी रोड पे मेन रोड पे ही। तो चलिए फाइनली पहुंच तो गए हैं, टाइम तो थोड़ा लग गया है, करीब आधा घंटा ही मान लो आप, क्योंकि 11:27 का दिखा रहा है, अभी 1-2 मिनट और लग जाएंगे। रेड लाइट पे खड़े हैं अभी हम, तो चलिए अभी कर लेते हैं पिकअप, जैसे भी है लेट तो हो ही गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से कितना क्या टाइम लगेगा हरिद्वार पहुँचने में, और रास्ते में कहाँ कहाँ बारिश मिलेगी, कितना क्या ट्रैफिक मिलेगा, जैसा भी रहेगा सारा अपडेट आपको देंगे आगे। मुझको 2:30 ढाई बज गए हैं, और अभी हम रुके हुए हैं झिलमिल ढाबा पे, खतौली क्रॉस कर दिया है। मौसम देख रहे हो ना, धूप निकल आई है हल्की हल्की, और थोड़ी थोड़ी रास्ते में बारिश भी हो रही थी, क्योंकि गाड़ी देख रहे हो ना गंदी हो रही है। तो अभी यहीं पे हम रुके हुए हैं फ़िलहाल, अपना तो खाना पीना हो गया है, चाय अपनी ले ली है, चाय लेके बाहर आ गए हैं, बस चाय फिनिश करते हैं, तब तक हो सकता है राइडर आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से लगभग जो कस्टमर की लोकेशन है 1.5 घंटा करीब और दिखा रहा है, तो आइडिया तो यह है 4:30 तक पहुँच जाना चाहिए। फिर देखते हैं जैसा जो भी रहेगा आपको अपडेट करते हैं थोड़ी सी देर में। मुझका 4:40 गाड़ी हमारी चल गई है 243 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। राइडर को हमने ड्रॉप कर दिया है, ये जो गोल चक्कर आपको दिख रहा होगा जूना अखाड़ा करके ये लिखा है ना, यहाँ पे छोड़ा है। इस गोल चक्कर के आगे गाड़ी हमारी जाती नहीं है। अभी यहाँ से जो राइडर की लोकेशन है लगभग 400 मीटर पे दिखा रहा है, तो उनको ई रिक्शा करा दिया है 50 रुपये में, अभी वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है ना आप देख रहे हो कोई भी गाड़ी नहीं जाने देंगे, ई रिक्शा वगैरह तो घूम के चले जाते हैं, है ये पुलिस वाले बस जाने नहीं देते इधर से, तो इसकी वजह से अभी हम इधर से घूम के जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कोई बुकिंग इधर से मिली नहीं है, तो गाड़ी अपना वहीं पे जो हमेशा हरिद्वार में लगाते हैं ऋषि पुल पे जाके, पहले तो CNG भरा लेते हैं जो भी आएगी, वैसे तो है हमारे में आधा टैंक है, और तो चलिए पहले यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाते हैं, फिर बाकी की अपडेट आपको बताते हैं थोड़ी सी जो भी रहेगी। गए शिव मूर्ति पे, हमारा जो ड्रॉप हुआ था इसी रोड पे हुआ था पीछे जाके, और मौसम देखो हरिद्वार का क्या मस्त हो रहा है। ये है शंकर जी भगवान, इस चौक को बोलते हैं शिव मूर्ति, काफी फेमस है हरिद्वार का ये चौक, देख रहे हो ना शंकर जी भगवान क्या साफ सुथरा चौक बना रखा है। तो अभी यहाँ से हम निकल आए हैं, और अभी हम चल रहे हैं सीधा बस स्टैंड की तरफ। ये बस स्टैंड आ गया इसके बराबर में ही, थोड़ा सा आगे जाके ना एक CNG पंप है, वहाँ से हम CNG भराएंगे, और फिर उसके बाद गाड़ी अपनी वहीं ऋषिकुल पे खड़ी कर लेंगे। अभी ट्रैफिक देख रहे हो ना, ट्रैफिक की कंडीशन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जिस हिसाब से यात्रा चल रही है। ये देखो रेलवे स्टेशन है, और ये मेन मार्केट है यहाँ का, क्या ट्रैफिक है कुछ भी नहीं, और इसी वजह से धाम की जो बुकिंग है ना अभी आ ही नहीं रही। चार धाम से जितनी उम्मीद होती है हम लोगों को, हमें लग रहा चार धाम से बंद होने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत काम निकलता रहता है, मतलब इतना तो निकलता ही है जितना अभी निकल रहा है, लेकिन कुल मिला के मौसम बढ़िया हो रहा है, देख रहे हो ना बादल, अभी कैमरे में उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो जिसको भी यहाँ का मौसम के मज़े लेने हैं तो आओ हरिद्वार घूमो। लोगों ने वीडियो में तो इतनी अफवाहें उड़ा रखी हैं कि बाढ़ आ गई है, ये हो गया है, गाड़ी बह रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, आओ घूमो बढ़िया। चार धाम यात्रा, दो धाम यात्रा, एक धाम, जो भी घूमना है। हाँ ये है आपकी जो एक्टिविटीज रहती हैं जैसे बोटिंग वगैरह, वो फिलहाल बंद हो गई है, क्योंकि पानी उतना, मतलब बाढ़ की स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना खतरे की घंटी तो रहती है ना, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही है,
अभी पहाड़ों से अचानक कब पानी ज्यादा आ जाए कुछ कह नहीं सकते ना। ये देखो ये है मेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अभी लेफ्ट में पड़ेगा बस स्टैंड। चलो हम निकल लेते हैं अपना इस ट्रैफिक से धीरे धीरे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5:07 और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली ऋषि पुल पे जो आपको बता रहे थे ना। लेकिन अभी यहाँ पे आज थोड़ी सी दिक्कत कुछ लग रही है क्योंकि दुकान वगैरह खुल नहीं रही है। अभी मैंने देखा दुकान तोड़ी जा रही थी, वो अतिक्रमण चल रहा था, जेसीबी चल रही थी, तो इसी की वजह से शायद यहाँ भी दुकान बंद है, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं। अब हम भी अपनी कहीं जगह देख के गाड़ी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बुकिंग वगैरह मिलेगी तो। और मौसम देख रहे हो ना क्या जबरदस्त हो रहा है हरिद्वार का। तो चलो अभी देखते हैं, लगा लेते हैं कहीं जगह देख के गाड़ी, पहले ये भाई साहब अपनी गाड़ी निकाल लें। मौसम तो बड़ा मस्त हो रहा है और काम की कंडीशन भी खराब सी लग रही है, गाड़ियां खड़ी हैं बहुत ज्यादा यहाँ। तो दोस्तों टाइम हो गया 6:20 और अभी हम यहीं ऋषि पुल पे खड़े हुए हैं। हरियाली देख रहे हो ना क्या बेहतरीन हो रही है, वैसे सूखे पेड़ रहते हैं ये, बारिश की वजह से मौसम हो चुका है बेहतरीन वाला। और देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ से बैठे बैठे ही चंडी देवी मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा फॉग हो रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था। बारिश का मौसम यही बढ़िया रहता है कि पूरा सा क्लियर हो जाता है, इतनी दूर तक का यहाँ से दिख रहा है, बताओ वैसे यहाँ से कभी नहीं दिखता। अभी फ़िलहाल हमें कोई बुकिंग मिली नहीं है, तो अभी तो बुकिंग का इंतजार ही कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलेगी नहीं मिलेगी, जैसा जो भी रहेगा अपडेट बताएंगे थोड़ी बहुत देर में। इस बुकिंग का भी अपडेट जो है थोड़ी देर में ही बताएंगे आपको। दोस्तों टाइम हो चुका है 9:23, फिलहाल बुकिंग तो हमें कोई मिली नहीं है। अभी जस्ट हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर करके मंगाया है, डोसा है, क्योंकि हमें ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। बुकिंग का तो पता नहीं है मिले ना मिले, कब तक मिले, कैसा क्या है। और गाड़ी मैंने अभी हटाई नहीं क्योंकि अगर यहाँ से लेने जाते तो हमें उतने ही का पड़ रहा था, ऑनलाइन भी ऑनलाइन हो सकता है उससे 10-5 रुपये महंगा पड़ रहा होगा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा ना जाके अपना यहीं अपने ठिया पे आ गया। तो इसको अभी फिनिश कर लेते हैं, फिर देखते हैं बुकिंग का अपडेट कैसा क्या रहता है। टाइम तो काफ़ी हो गया है लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि अब बुकिंग मिलेगी भी, आज की तो खैर नहीं मिलेगी, बिस्तर इसीलिए अपने लगा लिए हैं सारे, और मिलेगी तो कल की ही मिलेगी, जैसा जो भी रहेगा अपडेट अभी आपको थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। फिलहाल देखो जोमेटो से खाना मंगाया, बस दिक्कत पता क्या हुई है, दिक्कत सिर्फ ये हुई है कि पैकिंग वगैरह तो सब कुछ ठीक है लेकिन अभी ना तो डिस्पोजल है ना कुछ चम्मच वगैरह कुछ नहीं है, अभी इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बोतल वोतल काट के तब खाना खाएंगे। तो चलो इसको फिनिश कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ड्राइवर का काम कितना आसान होता है ना, अभी आप समझ लो रात के 11:14 हो गए हैं और इतना टाइम हो गया खाना ना खा पी के, कितना बजे हम फ्री हो गए थे, लगभग काफ़ी जल्दी हो गए थे, मतलब अभी 3 घंटे से कंटिन्यू मोबाइल को ही देख रहा हूँ, कोई बुकिंग नहीं मिली, सारी एप्लीकेशन छान लिए, सब कुछ कर लिया। अब वन वे के काम में आप समझ सकते हो कि इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई भी नया बंदा इस लाइन में आना चाह रहा है, आओ आप शौक से मज़े से, लेकिन ये समझ लो कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो ना उससे इसमें आपको मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास काम की सेटिंग बढ़िया है तो आप कर सकते हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तो आप ओला उबर चला लो, तो भाई ओला उबर भी मैंने बहुत चलाई है, 2-3 साल चलाई है, और जो भाई अभी चला रहे हैं ना आप उनसे भी पूछ लेना वो कैसे चला रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है ड्राइविंग की लाइन में, अगर आप वनवे का काम कर रहे हो तो ये समस्याएं आती हैं कि आपको बुकिंग अगर कंटिन्यू नहीं मिलती है ना तो बहुत आंखें खोलनी पड़ती हैं मोबाइल में, जो लगे रहना पड़ता है, कई बार तो आधी आधी रात, पूरी पूरी रात हमारी ऐसे ही निकल जाती है बुकिंग देखने में, और मिलती है तो नींद में फिर बुकिंग लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा ही अभी फिलहाल चल रहा है, अभी कुछ टाइम तक तो इधर से काम बढ़िया निकला तब हमें उधर से बुकिंग नहीं मिली, अभी उधर से मिली है तो अभी इधर से बुकिंग नहीं मिल रही, तो अभी देखते हैं। फिलहाल तो अब सोने की तैयारी हो रही है कि 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी नींद होती है, क्योंकि सुबह उठ के ही फिर मोबाइल में ही घुसना है, फिर बुकिंग ढूंढनी है, अभी तक हमें कोई बुकिंग मिली नहीं है। जो बुकिंग आ भी रही है वो लोगों ने इतनी गंद फैला रखी है रेटों की,
आप समझ लो कोई 2200, 2500, 2800, 3000 मतलब 3000 तक की भी आ जाए ना तो भी मैं ले जाऊं, मतलब क्या ही बोलूं, इतना गंद मचा रखा है लोगों ने। बट चलो ठीक है, अपना लगे हैं ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ऐसे ही काम चलता रहे अपना थोड़ा बहुत 19-20, और भाइयों का भी थोड़ा काम चलता रहे और भाइयों की थोड़ी बहुत मदद होती रहे, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा वो करेंगे, कुछ वो हमें देंगे कुछ हम उन्हें देंगे, ऐसे ही काम चलता है। तो अभी तो फिलहाल इतना ही है, अभी देखते हैं मॉर्निंग में कोई अगर बुकिंग मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो। फिलहाल आज की जो ये बुकिंग हम लेके आए थे ये अपनी पर्सनल बुकिंग थी, 3500 रुपये अमाउंट हमें टोटल मिला था, 3500 रुपये राइडर बहुत बढ़िया थे, बस सुबह सुबह जो है ना थोड़ी हमारी तरफ से ही गलती हुई थी, और गलती भी मैं क्या ही बोलूँ, मोबाइल फूट गया था। देख मोबाइल तो खैर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, अभी वो स्टार्ट तो है नहीं, क्या है मैं आपको दिखाऊं, तो सारी डिटेल उसी में थी, इसकी वजह से टाइम पे नहीं पहुंच पाया। और अभी भी कुछ कस्टमरों की जो डिटेल आ रखी थी हमारे पास पुरानी, वो भी सारी डिलीट हो चुकी है, अभी उनके सिर्फ कॉल का इंतजार हमें रहेगा, जब तक कॉल नहीं आएगा तब तक और डिटेल हमारे पास इकट्ठी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं जैसे भी रहेगा अपना, धीरे धीरे डेटा को रिकवर करेंगे, और वो वाला जो मोबाइल है जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसको भी जल्दी से सही कराएंगे। अभी आज तो मैंने कहीं नहीं डाला क्योंकि आज सुबह से आप देख ही रहे हो बराबर हम भागा भाग लगे ही हैं, मतलब भागा भाग क्या कहेंगे, सुबह जैसे ही निकला था 11 बजे का पिकअप था अपना। अब वो मोबाइल ऐसा है ना कि डालना तो अपने किसी ऐसी जगह ही पड़ेगा ना जहाँ से मैं आसानी से उठा सकूँ, या तो अपने घर के आसपास या किसी ऐसे ट्रस्टेबल बंदे पे जो कि कल को वो पता चले कि अभी तो सिर्फ डिस्प्ले खराब है, आगे उसमें और भी कमी आ जाए, तो ऐसा नहीं करना ना, क्योंकि मार्केट में सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में और बताते हैं बाकी का अपडेट, अगर बुकिंग मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो, अभी अगर 10-5 मिनट शरीर साथ देगा तो बुकिंग और ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। अभी के लिए गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा हरिद्वार में दूसरा दिन, अभी जस्ट सो के उठे हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और एक चाय ले ली है, अभी जस्ट सो के उठे हैं, मौसम देख रहे हो ना क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है, गंगा जी के घाट पे खड़े हुए हैं। बुकिंग का फिलहाल अभी कोई अपडेट है नहीं, अभी तक तो कोई बुकिंग मिली नहीं, और यहाँ पे हो रही है देखो पूजा पाठ। रात को काफ़ी लेट सो के उठ, मतलब काफ़ी लेट सोए थे ना क्योंकि कोई बुकिंग थी नहीं, जब बुकिंग नहीं थी तो ज़्यादा जाग के भी क्या करते। गंगा जी के दर्शन आप भी, अभी देखो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, कुछ आज स्पेशल है क्योंकि कल हम भी जिनको लेके आए थे ना उनका भी पूजा पाठ का ही कुछ सीन था, और शाम को यहाँ पे पानी उतना ज़्यादा था नहीं। देखो ये जो ग्रिल है ना ये पूरी दिख रही थी शाम को, और अभी पूरी डूब चुकी है, मतलब पानी आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए अभी चाय कर लेते हैं फिनिश, गाड़ी भी थोड़ी गंदी हो रखी है, अभी थोड़ी देर में गाड़ी वाड़ी साफ़ कर लेते हैं, फिलहाल काम का तो कुछ है नहीं, अगर काम आएगा तो अपडेट करेंगे आपको थोड़ी सी देर में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा हरिद्वार में तीसरा दिन, जैसे कल पूरा दिन हमारा चला गया, कल हमें यहाँ से कोई भी बुकिंग नहीं मिली थी, अभी देख रहे हो आप वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ पे उस दिन खड़े हुए थे, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अकेला मैं ही नहीं खड़ा, कई गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसे है दो दो तीन तीन दिन से खड़ी हैं, बल्कि देहरादून में तो मैंने देखा चार चार दिन से भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो हम भी यहीं पर खड़े हैं अभी फ़िलहाल। और आज की फाइनली हमें बुकिंग मिल गई है, ये बुकिंग जो है ना बुकिंग वैसे तो ये थी कल की, लेकिन वो राइडर का कॉल आ गया था परसों शाम को ही, उनका डिले हो गया था, तो मैंने सोचा मैंने कि कल की अगर कोई बुकिंग मिल जाएगी तो वो निकल जाएगा, लेकिन कल की कोई बुकिंग मिली नहीं थी, तो फिर हमने रात में यहीं पे स्टे कर लिया। अभी देखो सारी गाड़ियां खड़ी हैं ना, जस्ट अभी सो के उठे हैं, रेडी हो गए अपना, क्योंकि 9 बजे का हमारा पिकअप है, अभी 8:30 बज रहे हैं, और गंगा जी की धाराएँ देखो काफ़ी बहाव तेज़ है अभी पानी का, ये देख रहे हो ना मौसम काफ़ी क्लीन हो रखा है, बढ़िया, आज पूरी रात हो गई है बारिश हुई है यहाँ पे, ये देखो शाम को पानी कितना था और अभी कितना हो गया, देखो हम तो बस इस ग्रिल से आइडिया लगाते हैं, ये जो है ना ये ग्रिल अगर डूबी है तो पानी कितना है, और ये जो नेक नेक से बच्चे आपको दिख रहे हो ना ये सब इसमें तैराक वाले हैं, ये बीच में जाके भी तैर लेते हैं, हमें तैरना नहीं आता किनारे पे भी। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं, पिकअप हमारा जो है बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी चक्कर में यहीं पे अपनी गाड़ी लगा रखी थी, वैसे जितेंद्र भाई आने को थे लेकिन वो आ नहीं पाए, अभी उनकी भी कोई अपनी पर्सनल रीज़न रहा पता नहीं, लेकिन चलो अब क्या ही कर सकते हैं, आज तीसरा दिन हो गया समझ लो,
हरिद्वार में खड़े, इधर से काम इतना ज़्यादा डाउन हो गया। तो चलिए पहले चाय आई पी लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:06 और फाइनली हम अपनी पिकअप लोकेशन पर पहुँच गए हैं। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा होगा, यहीं से हमारा पिकअप रहने वाला है और इस जगह से हमने पिकअप पहले भी कई बार किया हुआ है। ये वही लोकेशन है और वही कस्टमर हैं जिनको हमने राजस्थान घुमाया था और कई बार इनको दिल्ली भी लेके गए हैं। ये काफ़ी पुराने हमारे क्लाइंट हैं। इस टाइप की लोकेशन है। तो अभी इनका जो टाइम है वैसे तो 9 बजे का था, पहले इनका 8 बजे का था, फिर 9 बजे का हुआ, फिर इन्होंने अभी कर दिया है कि आप आधे घंटे बाद आना। लेकिन कोई नहीं, अभी हमने गाड़ी अपनी लोकेशन पर लगा दी है। वैसे तो गाड़ी साफ़ सुथरी कर ली है अपनी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और कपड़ा माल लेते हैं, रात भर बारिश हुई है ना। तो चलिए अभी जैसे जब राइडर आ जाएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे। आज के ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी 3 दिन का हो चुका है। टाइम हो चुका है 12:27 और अभी हम रुके हुए हैं झिलमिल ढाबा पे। ढाबा पड़ा पूरा खाली, फिलहाल खाना पीना तो हमने कर लिया, बस चाय लेके अपने आ गए हैं। अभी जैसे ही राइडर आ जाएंगे फिर यहाँ से चलते हैं थोड़ी सी देर में ना। मौसम जो हो रहा है बड़ा मस्त हो रहा है अभी में और इस टाइप से कुछ माहौल हो रखा है, देख सकते हो आप। दोस्तों टाइम हो चुका है 2:51, गाड़ी हमारी चल गई है 280 किलोमीटर। अभी हम खड़े हैं पटेल नगर एरिया ये पड़ता है, ड्रॉप हमने फाइनली कर दिया है और राइडर जो हमारे थे वो काफ़ी पुराने राइडर हैं तो बताओ तो खैर बढ़िया हो गई। ये देखो पटेल नगर एरिया पड़ता है, ईस्ट पटेल नगर करके है जगह, नियरेस्ट करोलबाग के पास में अभी हम हैं। ड्रॉप हमने कर दिया है, थोड़ा सा हाँप गया हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन थे ना तो जो उनका लगेज था वो ऊपर रखवा के आना पड़ा है। तो चलिए पहले गाड़ी यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर आपसे अपडेट बताते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:42, 4 बज गए जस्ट अभी हम अपने घर पे पहुंचे हैं और जैसे आपने देखा था, सॉरी 4:42 का टाइम हो रहा है। अभी दूसरा मोबाइल है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसी फोन में देख के काम चलाना पड़ रहा है। फिलहाल दूसरा मोबाइल अभी जस्ट डाल के आया हूँ सही होने के लिए, उसकी जो है ना डिस्प्ले फूट गई थी तो वो देखते हैं आजकल में जब भी मिल जाएगा तो आपको दिखा देंगे। फिलहाल नया फ़ोन लेने का अभी बजट नहीं है। तो दोस्तों आज की जो बुकिंग आपने देखी थी, 3 बजे हमने ड्रॉप कर दिया था राइडर को, 2:00 पे, मतलब 3 बजे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ तक आते आते हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग गया है क्योंकि हमारा घर पड़ जाता है दिल्ली से काफ़ी दूर, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन है ना तो ग्रेटर नोएडा लगभग पड़ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। फिलहाल जो आज के ये राइडर थे ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारे काफ़ी पुराने राइडर हैं और इनको हम कई बार उस लोकेशन से ला चुके हैं, जयपुर वगैरह भी घुमाया था इनको बढ़िया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, राजस्थान का टूर हमने कई काफ़ी लोगों को कराया है, ठीक है, वन वे का तो किया ही है प्लस टूर भी कराया है काफ़ी बढ़िया से, ठीक। तो आप पुरानी वीडियो में जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हम टूर कराते हैं, किन किन जगहों पे लेके जाते हैं। और अभी वन वे की ये बुकिंग थी, इनको लाके छोड़ दिया क्योंकि राइडर जा रहे हैं बाहर आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए। अभी इनको वापस दिल्ली से लेके जाना पड़ेगा हमें, अभी किस डेट में रहेगा वो पता नहीं है लेकिन इसी मंथ में रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा, बता देंगे हम अगर हम खुद गए तो। अगर उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हुआ, किसी और ड्राइवर भाई को अगर भेजा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। फिलहाल इस बुकिंग का जो अमाउंट हमें मिला था टोटल, हमने कस्टमर से चार्ज किया था 3500 रुपये, जो कि अपना ज़्यादातर आपको पता ही होगा फिक्स अमाउंट रहता है, चाहे हमारा हरिद्वार ड्रॉप हो या देहरादून हो। ऋषिकेश का थोड़ा बढ़ जाता है, रुड़की हरिद्वार देहरादून सेम ही रहता है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे, अगर जैसे नोएडा से पिकअप है या दिल्ली से या गुड़गांव से उस हिसाब से, ठीक है। तो बढ़िया से उनको लाके ड्रॉप कर दिया और आज की जो हमारी बुकिंग रही है ना, अब समझ लो अप डाउन का चक्कर हमारा 3 दिन में लग पाया है। 4 तारीख को लेके गया था, 5 को रुकना पड़ा, 6 तारीख है, 6 को आज यहाँ पे ड्रॉप किया है, 3 दिन में एक चक्कर लगाया, 6 तारीख हो गई, 6 दिन में एक चक्कर हमारा लगा। इस महीने में इतना काम कम निकल रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं, राम भरोसे चल रहे हैं। और अभी आने वाले टाइम में काम और डाउन हो जाएगा क्योंकि अगले महीने से कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, तो अगले महीने का तो काम वैसे ही गंदा होने वाला ही है। 10 दिन तो पिटने वाले हैं, इस महीने में भी 10 दिन पिट गए, उस महीने में भी 10 दिन पिट जाएंगे, अब देखते हैं जो जैसे भी रहेगा। कभी कभी किसी किसी महीने तो जो होता है ना गाड़ी की EMI निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी देखेंगे अगर काम की कंडीशन ऐसी रही तो कुछ और ओला वगैरह में चला के देखेंगे,
और जैसा भी रहेगा आपको अपडेट भी दिखाएंगे कि कितना क्या ओला में काम निकलता है नहीं निकलता है वास्तव में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो औरों के देखते हुए जो है ना मैं देखता हूँ हालत लोगों की ऐसी गंदी हो चुकी है ओला उबर में, घर से तो बेचारे निकल जाते हैं और बाहर जाके गाड़ियों में पड़ के सोते हैं, फिर पूरी पूरी दुपहरी मैंने देखा है कोई बुकिंग नहीं बचती है लोगों की। कई लोगों से बातचीत भी हुई है तो वो बताते हैं कि जितने की सीएनजी डलवाओ शाम तक उतने ही का काम होता है, 300-400-500 रुपये बचते हैं बस। 1000 की सीएनजी डलवाओ तो 1700-1800 रुपये का काम कर लो, कोई 600-700 रुपये 800 रुपये पूरे दिन में बचते हैं। पूरे दिन गाड़ी रगड़ो, अगर हल्की सी भी कहीं गाड़ी लग गई कुछ भी हो गया तो वो नुकसान, कोई चालान आलान हो गया तो वो नुकसान, तो घर से और दे के आओ तो इसलिए हिम्मत नहीं होती अपना। अभी एक टाइम हुआ करता था काम करते थे ओला उबर में तो बढ़िया से चलता था। तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, आगे की अगर कोई भी अपडेट होती है तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। फिलहाल ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है तो अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी नॉलेज अगर मिली हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अभी तो बस अपना नहा धो के रेस्ट करेंगे, गाड़ी को धोधा के खड़ी कर देंगे, कोई बुकिंग आएगी तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, टाटा।